तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन देखो और चुके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि अगर आप अपने WhatsApp की DP यानी कि प्रोफाइल पिक्चर में अपना पूरा का पूरा फोटो लगाना चाहते हैं बिना क्रॉप किए हुए, तो आज की वीडियो देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किसी भी फोटो को बिना क्रॉप किए हुए अपने WhatsApp की DP में या फिर अपने WhatsApp के प्रोफाइल में कैसे लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल है आप सभी दोस्तों के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूजफुल और बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके यूज करके दोस्तों आप अपने WhatsApp के DP में किसी भी फोटो को बिना क्रॉप किए पूरा का पूरा फोटो आप लगा सकते हैं अपने WhatsApp DP में। तो सबसे पहले मैं अपने WhatsApp को ऑन करते हैं और आपको दिखाता हूं कि जब भी हम अपने WhatsApp में प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं तो वहां पे क्रॉप करने का ऑप्शन आता है। तो चलिए मैं पहले आपको अपना WhatsApp ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको दीजिएगा मेरा प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं जो यहां पे प्रोफाइल पिक्चर लगाकर दिखाऊंगा वही आपको पूरा फुल लगाकर दिखाऊंगा उस एप्लीकेशन के द्वारा। तो सिंपली आपको क्या करना है, चलिए मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को पहले ऐसे चेंज कर लेता हूं। तो यहाँ से दोस्तों मैं एक फोटो को चूज कर लिया, यही यहाँ पर देख रहा होगा कि यहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप इस फोटो को बिना क्रॉप किए हुए नहीं लगा सकते अपने WhatsApp पे। लेकिन दोस्तों इसी फोटो को मैं बिना क्रॉप मतलब पूरे के पूरे फोटो को आपको लगाकर दिखाऊंगा बिना क्रॉप किए। यहाँ पर पूरा का पूरा जो फोटो नीचे से ऊपर दिख रहा है सारा का सारा फोटो आपको लगाकर दिखाऊंगा उस एप्लीकेशन के द्वारा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख रही, यहाँ पे देख रहे हैं आपको पूरे क्रॉप करने का ऑप्शन मिला कि बिना क्रॉप किए नहीं लगा सकते। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों इसी फोटो को मैं बिना क्रॉप किए आपको लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए बैक आता है। बैक आने के बाद दोस्तों चलते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर और इस एप्लीकेशन का नाम है WhatsApp। तो सिंपली इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से सिंपली इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने से होगा। तो दोस्तों जिस भी फोटो को आप लगाना चाहते हैं सिंपली अपने गैलरी से पहले चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं वही वाला फोटो आपको चूज करके दिखाता हूँ जो मैंने अभी अभी WhatsApp में लगाया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉर्नर में फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा गैलरी का, तो सिंपली यहाँ से आप फोटो को चूज कर लीजिए। तो चलिए मैं फोटो को चूज करके अपने गैलरी से उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैं फोटो चूज कर लूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो मैंने फोटो लगाया था WhatsApp में यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है। तो सिंपली इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा फोटो। यहाँ पे देख सकते हैं वो जो फोटो मैंने पहले WhatsApp में लगाया क्रॉप करके यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे बिना क्रॉप किए पूरा का पूरा फुल फोटो यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करके और इस फोटो के बैकग्राउंड में आपको कुछ लगाना हो तो लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, बैकग्राउंड कलर, अगर अपने बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना चाहे तो कलर भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी लगाना चाहे तो कोई अपने बैकग्राउंड में तो लगा सकते हैं, या फिर कोई फ्रेम भी लगाना चाहे तो फ्रेम लगा सकते हैं। तो चलिए मैं बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से बहुत सारे आपको इमेज मिल जाएंगे जो आप इजीली लगा सकते हैं अपने फोटो के बैकग्राउंड में। तो चलिए मैं लाइट वाला चूज करता हूँ, बहुत सारे आपको फ्रेम मिल जाएंगे जो आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं कोई भी चूज करता हूँ, व्हाइट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से चूज कर लिया और देखिए मेरे फोटो के बैकग्राउंड में ये जो इमेज लग गया। लगने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों पहले आपको एक बात बता दूँ कि जब भी इस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों आपकी जो WhatsApp है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो आपको अब अपने WhatsApp की DP में इस फोटो को सेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा तीर का आइकन, तो सिंपली आपको तीर के आइकन पर क्लिक कर देना और ये रिडायरेक्ट करेगा आपके WhatsApp में। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, तो ये आपके देखिए WhatsApp का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका WhatsApp आ गया, उसके बाद आपको डाउन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये फोटो मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा का पूरा आ गया बिना क्रॉप किए, या पूरा का पूरा मेरा फोटो दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने फोटो को बिना क्रॉप किए इस एप्लीकेशन का यूज करके लगा सकते हैं अपने WhatsApp के DP में। जो भी फोटो आपको लगाना है सिंपली उस एप्लीकेशन का यूज कीजिए और सिंपली दोस्तों वहां से किसी भी फोटो को आप बिना क्रॉप किए अपने WhatsApp के DP में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और इसी एप्लीकेशन का रिव्यू हर रोज़ मेरे चैनल पर जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।